अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे अपने घर पर और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जीके की क्लास में हमने लास्ट क्वेश्चन हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड के बारे में किया था। आज हम जो नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं वो है सीज़न से रिलेटेड। सीज़न किसे कहते हैं? सीज़न मौसम को कहते हैं। सीज़न किसे कहते हैं? सीज़न मौसम को कहते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन आ ईयर। एक साल में कितने मौसम होते हैं? देयर आर फोर सीजन्स। देयर आर फोर सीजन्स, हमारे पास चार मौसम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अब हमारे पास जो बुक वाले अंकल हैं हमसे पूछें नेम फोर सीजन्स, चार मौसमों के नाम बताएं। कौन कौन से हैं? समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। समर कैसा सीज़न होता है आपको कुछ पता है कि समर कैसा सीज़न होता है? ये है हमारे पास समर सीज़न, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आजकल भी समर सीज़न है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है और हम इस मौसम में बहुत हल्के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और ठंडा पानी पीते हैं, पंखा चलाते हैं और अपने आप को कूल रखने की कोशिश करते हैं। तो यह है समर सीज़न। फिर समर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सीज़न है वो है ऑटम, ठीक है। ऑटम कैसा सीज़न है? ऑटम ऐसा सीज़न है जिसमें तमाम पत्ते, आप देखते हैं ना, दरख्तों से तमाम पत्ते गिर जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, तो ये ऑटम सीज़न होता है। फिर उसके बाद हमारे पास है विंटर। अब विंटर कौन सा सीज़न है? विंटर जो है वो बहुत कोल्ड वेदर होता है, इसमें हमें बहुत सर्दी लगती है, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हैं, हीटर लगाते हैं ताकि हम गर्म रहें, ठीक है, कैप्स पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सीज़न है वो है स्प्रिंग सीज़न। सबसे मज़े का सीज़न होता है स्प्रिंग सीज़न। स्प्रिंग सीज़न कैसा सीज़न होता है? इसमें नए फूल निकलते हैं, नई नई घास हमें नज़र आती है, हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ नज़र आती हैं, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न में हर चीज़ बहुत खुश होती है। तो ये फोर सीज़न से जो मैंने आपको बताए, अब इसको ज़रा सा हम ओरल पढ़ते हैं। हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन आ ईयर, अब आपको पता चल गया कि कितने सीजन्स हैं हमारे पास ईयर में। हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन आ ईयर, एक साल में कितने सीजन्स होते हैं, कितने मौसम होते हैं? देयर आर फोर सीजन्स, कितने सीजन्स होते हैं? देयर आर फोर सीजन्स। अब फिर आपसे पूछा जा रहा है नेम फोर सीजन्स, इन सीजन्स के नाम बताएं। इन सीजन्स के क्या नाम हैं? समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। आपकी बुक पर भी देखेंगे कुछ सीजन्स जो हैं इनसे रिलेटेड पिक्चर्स बनाई गई हैं। जैसे ये स्प्रिंग है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग में नए फूल निकलते हैं, घास नई निकलती है और परिंदे खुशियों से इधर उधर उड़ रहे होते हैं। फिर हमारे पास है समर सीज़न। समर सीज़न में बहुत हॉट वेदर होता है, गर्मी होती है, हम ठंडा पानी पीते हैं, अपने आप को कूल रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये सीजन्स आपको फोर सीजन्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है विंटर सीज़न। विंटर में देखें सर्दी है, ठीक है, हम अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं और जो है वो हीटर लगाते हैं, स्नो फॉलिंग भी होती है इस सीज़न में। फिर उसके बाद है ऑटम। ऑटम में देख रहे हैं आप कि पत्ते गिर जाते हैं, ठंडी हवाएं, खुश्क हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता मौसम जो है वो बदलना शुरू हो जाता है, पत्ते गिरते हैं। फिर हम इस मौसम में भी जो है वो अपना बहुत ख्याल रखते हैं। अब हम दोबारा एक दफ़ा से रीड करते हैं। हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर, हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर, देयर आर फोर सीजन्स, देयर आर फोर सीजन्स। How many seasons are there in a year? There are four seasons. फिर उसके बाद है name four seasons, चार मौसमों के नाम बताएं। Summer, autumn,
विंटर स्प्रिंग, समर ऑटम विंटर स्प्रिंग, ये फोर सीजन्स हैं। आप लोगों ने इनको बहुत अच्छी तरह से याद करना है, बार बार इनकी इसको पढ़िएगा ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से ये याद हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।